मुझे लग रहा है कि वो ऐसा स्कैम है कि आदमी लालच में आकर वो जरूर उसमें फंस जाएगा, तो बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। तभी है ना, हाँ ये पहनी हुई साड़ी है, कोई शक नहीं है कि पहनी हुई साड़ी है। देखिए नीचे से इस तरह मेरे साथ ऑनलाइन स्कैम हो गया है, वो भी फर्स्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मेरे साथ स्कैम हो गया है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों के साथ भी ना हो, आप अलर्ट रहे। और मुझे लग रहा है कि वो ऐसा स्कैम है कि आदमी लालच में आकर वो जरूर उसमें फंस जाएगा, तो बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। तभी मैं आपको थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। देखिए मैंने ये कुछ मंगाया है और मुझे क्या रिसीव हुआ, मतलब टोटली एकदम क्या बताया, मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो चलिए अभी मैं शेयर करती हूँ। उससे पहले मैं जा रही थी सब्जी काटने, आज मैं बना रही हूँ ये मूली का भुजिया, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो उन्होंने बोला है बनाने के लिए, एकदम ताज़ी ताज़ी मूली है। तो इसको मैं काटने जा रही थी, तो मैंने सोचा जल्दी से जल्दी मैं वीडियो बना के डाल दूँ। और कल है करवा चौथ, तो आज हम लोग शॉपिंग करने भी जाने वाले हैं करवा चौथ की। जो छोटी मोटी चीज़ें हैं लेनी है पूजा के लिए, सिंगार का सामान, साड़ी तो मैं ले आई हूँ, लेकिन उस पर सिंगार का जो सामान है वो लाना है, और मेहंदी लगवानी है, तो मैं जाने वाली हूँ आज मेहंदी भी लगवाने। तो पहले मैंने सोचा वीडियो बना के और खाना वगैरह बना के खा के फिर हम लोग निकलेंगे। आज मेरी छुट्टी है, तब पूरे दिन मेरे पास टाइम है, तो आज हम मार्केट जाएंगे। उससे फ्रेंड्स, आज लव का मैथमेटिक्स का फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, वो कल बताया था मुझे, लेकिन मैं भूल गई काम करने चक्कर में, और सुबह उठ के मुँह बना रहा था कि आज मेरा है ये मैथमेटिक्स का। फिर मैंने जस्ट जल्दी जल्दी ये 5 मिनट के अंदर बनाया है ये ट्राइंगल, और ये देखिए इसका हो गया है। तो ये है, बस इसमें से कुछ लाइंस इसको लर्न करनी है, कुछ याद है, तो ये हो गया है। अभी मैं इन लोगों के लिए लंच बना रही हूँ, जिसमें है चाउमीन। आज सैटरडे है, तो सैटरडे को कुछ ऐसा फास्ट फूड लेके जा सकते हैं। तो ये रहा इसका फर्स्ट। जल्दी से मैंने ये ना एक चार्ट पेपर को ऐसा ट्राइंगल फोल्ड किया और ये फेस बना के और ये धागा लगा दिया है। तो फ्रेंड चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इंस्टाग्राम पे पिछले एक साल से एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी साड़ी की, जिमी चू की साड़ी है, जिसको पूरा स्टोन का कटवर्क है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने उसे पहना हुआ है और उसका रिव्यू दिया हुआ है, बहुत अच्छी साड़ी है और प्राइस उसका लगभग 2400-2500 है, तो ऐसा कुछ था। तो एक दिन मैं इंस्टाग्राम चला रही थी, तो वो साड़ी का मतलब ऑफर प्राइस करवा चौथ और दिवाली के लिए लिखा हुआ था 699 रुपया, 699 रुपये में वो साड़ी थी। तो मैंने उसे ऐसे टच करके देखा, बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया। लेकिन बार बार वो मेरे पेज पे आने लगा, तो फिर मैंने क्या किया, लालच में आकर उस साड़ी को मैंने ऑर्डर कर दिया कि चलो भाई इतनी महंगी साड़ी मुझे 700 रुपये में मिल रही है, और त्यौहार आने वाला ही है, तो बोलते हैं ना वही मेरे साथ हो गया, कंगाली में आटा गिला इस महीने, दुनिया भर के त्यौहार इसी महीने हैं, पूरे खर्चे इसी महीने हैं, और इसी महीने मेरे साथ स्कैम हो गया। अभी 2 दिन पहले मेरा मोबाइल अचानक गिर के और उसका जो डिस्प्ले है वो ख़राब हो गया, तो उसमें खर्चा लगा, तो 2 दिन पहले की बात है, और उसके बाद ये साड़ी के साथ मेरे साथ स्कैम हो गया, तो बहुत सारे पैसे इस महीने नुकसान हो गए हैं। मोबाइल का भी अचानक खर्चा, अचानक मेरे ही हाथों से गिर गया और ख़राब हो गया। तो वो साड़ी देख के फिर मैंने उसे ऑर्डर कर दिया। मैं तो 2 करने वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने एक ही किया, और मेरे साथ वीडियो बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, यहाँ की जस्ट बगल में लूम चलता है, बनारस में घर घर साड़ियाँ बनती हैं, तो जस्ट मेरे बगल में साड़ी बनाने की लूम चलती है, जिससे खट 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 की आवाज़ आती रहती है, तो आपको बैकग्राउंड में हो सकता है कि वो आवाज़ आए, और किसी का कुकर बजता है, तो किसी की मिक्सी चलने की आवाज़ आती रहती है, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब रात में ये बंद हो जाता है ना, तब मैं वॉइस ओवर देती हूँ, 9 बजे करीब, 9:30 बजे बंद होता है, सुबह 9 बजे चालू हो जाता है, तभी वो चल रहा है। मैंने खिड़की वगैरह सारा बंद कर दिया है, फिर भी हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, पता नहीं वीडियो में आ रही है कि नहीं, लेकिन आ रही है अभी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मुझे क्या मिला है। मैंने वो साड़ी ऑर्डर की, काफ़ी सुंदर लग रही थी, और सुंदर है भी वो साड़ी, लेकिन मैं लालच में आकर उस तरह से कि मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, मैंने जो किया था और क्या साड़ी किया था। और पता है ऑर्डर करने के बाद ना, वो जो साइट है, जो पेज है, अब मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं दिखा रहा था। मैं रात को पूरा ढूंढी कि मुझे वो मिल जाए तो लगाऊं, लेकिन मुझे नहीं मिला। सुबह में शायद मुझे वैसा ही एक मिला है, पता नहीं वो क्या है, तो मैं लगा दूँगी कि ऐसे ऑफ़र के चक्कर में ना पड़े। और अभी मैं दिखाती हूँ मैंने रिसीव क्या किया है। ये देखिए मैंने जो साड़ी ऑर्डर की थी उसका पिक मैं लगा दूँगी यहाँ पे, आप देख लीजिएगा कि वो कैसी है और मुझे क्या रिसीव हुई है। ये देख लीजिए क्या साड़ी आई है, आई कांट बिलीव, ये पहनी हुई साड़ी है। ये भी नहीं कि चलो कोई सस्ती प्रिंटेड साड़ी हो तो किसी को दे दूँ, नई साड़ी हो, नहीं,
ये पहनी हुई साड़ी है, पूरा इसका कलर उतरा हुआ है, लग रहा है कि जैसे कि धूल के प्रेस किया गया हो, या फिर दुकान में बहुत पुरानी साड़ियाँ जो एकदम डिस्कार्ड करने वाली होती है वैसी कुछ है। ये देखिए, ये साड़ी मुझे रिसीव हुई है उसके बदले में, मतलब ये साड़ी किसी लायक नहीं, किसी को देने लायक भी नहीं, जैसे लग रहा है कि इसको पहन के और धूल के प्रेस किया गया हो, मैंने बहुत ज़्यादा पहना गया हो, मतलब पहनने के बाद इसकी लाइफ ख़त्म हो गई हो। कलर उसमें आपको समझ में आ रहा होगा, उसमें तो शायद ब्राइटनेस से ये भी लग रहा है, लेकिन रियल में बिल्कुल बेकार साड़ी है। ये देखिए, ये देखिए इसके किनारे इस तरह से उधड़े हुए हैं, जैसे पहनने के बाद साड़ी नीचे से घिस जाती है ना। हाँ, ये पहनी हुई साड़ी है, कोई शक नहीं है कि पहनी हुई साड़ी है। देखिए ये नीचे से इस तरह से बिल्कुल, ये देखिए। तो आपको इस तरह से कुछ मिले, मेरे साथ तो धोखा हो गया, लेकिन आपको ऐसा कुछ मिले तो प्लीज़ आप लोग ऑर्डर ना करें। और मैंने वीडियो भी इसीलिए बना, मेरी बेटी ने कहा मम्मी इस पर वीडियो बनाओ ताकि और लोग इससे बच जाएं, क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है, बहुत लोग इसमें फंस सकते हैं कि दिवाली के ऑफ़र के नाम पे। ये देखिए, तो अब मैं साड़ी का क्या करूँगी कुछ नहीं, अभी ये पड़ी रहेगी ऐसे ही रद्दी में। मीशो से मंगाया है लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति, तो मैं तो नहीं थी, ड्यूटी पे थी, मेरे हस्बैंड ने रिसीव किया, बोला कि वो मिट्टी, उससे पहले ये रिसीव हुआ, मूड ऐसे ही ख़राब था, तब तक उन्होंने बोला कि ये जो आया वो मिट्टी का आया हुआ है, टूटा हुआ आया। मेरा मूड और ख़राब हो गया कि आज का मेरा सारा पार्सल ऐसे जा रहा है, लेकिन मीशो में यह था कि चलो रिटर्न कर दूँगी। इसका रिटर्न का कोई ऑप्शन नहीं है, जो डिलीवरी आया है, पैकेट आया है, उस पर रिटर्न का कोई कुछ भी नहीं लिखा है कि हम रिटर्न कर सके, इसका मतलब ये फेक है। और जो डिलीवरी बॉय है उसने बोला था कि आपके किसी फेक आईडी से साड़ी आई हुई है, आप मुझे क्या बोलते हैं रिटर्न कोड है जो है कैंसिल कोड दीजिए, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। लेकिन मैंने उसे नहीं, मेरा उससे झगड़ा हो गया, वो तो गुस्सा भी हो गया कि मैं सोची ना कि अगर कैंसिल कोड से भी ना बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। उस डिलीवरी बॉय ने बोला कि फ्रॉड किसी साइट से आपकी साड़ी आई हुई है, उसने ये बताया कि इंस्टाग्राम से, तो मैंने बोला कि नहीं मैंने कोई साड़ी ऑर्डर नहीं किया, तो बोला कि चलो आप मुझे कैंसिल कोड बता दीजिए मैं कैंसिल कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं मैंने ऑर्डर किया ही नहीं है, तो मैं कैंसिल कोड क्यों बोलूँ, क्योंकि कैंसिल कोड से भी बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है, पैसे खाते से कट जा रहे हैं, तो इसलिए मेरे दिमाग में यही चीज़ था। और फिर मैंने उसे नहीं बताया, वो बार बार मुझे फ़ोन करता रहा, मैं फ़ोन नहीं उठाई, और उसके बाद फिर लास्ट में उठाया तो गुस्सा हो गया कि मैं आपके अच्छे के लिए समझा रहा हूँ कि आपको फिर से पार्सल नहीं चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके यहाँ लेकर आता हूँ, रोज़ आपका पार्सल आ रहा है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं मुझे ये, मैंने ऑर्डर ही नहीं किया, तो मैं कैंसिल कोड नहीं बताऊँगी। फिर उसने बताया कि इंस्टाग्राम से आपने कोई साड़ी ऑर्डर की, हमने कहा कि हाँ, पहले उसने नहीं बताया कि इंस्टाग्राम से, उसने बोला कि किसी फ्रॉड साइट से साड़ी आई है आपके पते पे। फिर जब उसने इंस्टाग्राम का नाम लिया तो मुझे याद है कि हाँ मैंने इंस्टाग्राम से साड़ी मंगाई है, तो मैंने कहा कि नहीं मैं कैंसिल कोड नहीं बताऊँगी और मुझे वो साड़ी रिसीव करनी है, मैंने मंगाया, कह रहा ठीक है आप 700 रुपये भेजिए और मैं आपको साड़ी देता हूँ। और लेकिन उसे पता था कि ये फ्रॉड साड़ी है साइट से है, और क्योंकि इस पर ये सब था नहीं ना रिटर्निंग का, और मैं थी नहीं घर पे, और थी होती भी तो मैं साथ ना पकड़ पाती। फिर मैंने साड़ी रिसीव नहीं, मेरे हस्बैंड ने साड़ी रिसीव की, उसके बाद उन्होंने जैसे खोला मुझे फ़ोन पे बताया कि, और फ़ोटो भेजा उन्होंने, तो मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। हाँ, उसके बाद मूर्ति का, उसके बाद बताया कि मूर्ति भी मिट्टी की आई हुई है, टूटी हुई है, और मेरा मूड ख़राब हो गया। फिर मैं दिखाती हूँ कि मूर्ति कैसे, मूर्ति सही है जैसे मैंने मंगाया था, लेकिन एक जो गणेश जी की मूर्ति है ना उनके हाथ में कुछ ऐसे पकड़े हुए हैं, वो टूट गया है, तो वो खंडित मूर्ति तो यूज़ करेंगे नहीं, तो मैं उसे रिटर्न करके, मैंने रिटर्न नहीं एक्सचेंज किया, फिर दोबारा दूसरी मूर्ति आएगी। तो मूर्ति काफ़ी सुंदर है, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो कैसी है और इस साड़ी का मैं क्या करूँ। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे फ्रेंड्स, ये देखिए लक्ष्मी जी की मूर्ति कितनी सुंदर है, एकदम क्यूट सी आया, देखिए कमल के फूल पे हैं, बहुत सुंदर मूर्ति है ये, जैसे उसमें दिखा वैसी है और रंगीन में है, और ये मेटल नहीं, मुझे लगा मेटल था, लेकिन वो बोलते हैं ना संगमरमर के जो पत्थर होते हैं उसके चूरे से जो मूर्ति बनाई जाती है वो है। और ऐसे ही मैंने गणेश जी को भी मंगाया है, ये देखिए ये गणेश जी सेम वैसे ही, और लेकिन इनका ये टूट गया है, यहाँ हाथ में यहाँ पर था ये, यहाँ पर ये टूट गया है, तो इसे मैंने एक्सचेंज में डाला है, फिर दूसरी मूर्ति आएगी। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे लग रहे हैं।
कैसा गया है? अच्छा कैसा गया है? और फिर उसका धागा निकल गया। धागा निकल गया था, होने के बाद निकला है ना। और उसमें वो जो फोर लाइन था तो उसमें से फोर लास्ट लाइन नहीं बोले क्योंकि भूल गए थे। ओके कोई बात नहीं, बोल दिए हो ना। चलो 5 मिनट में तैयार किए हो, 5 मिनट में उसको बनाए हैं, 5 मिनट में तैयार किए हो, तो उसके हिसाब से चलो ठीक। कहाँ है वो? बैग में रखे हैं। अच्छा ट्राइंगल बन के गया था। ट्राइंगल आज सैटरडे है ना, इसलिए जल्दी छुट्टी हो गई है, इसलिए लल्ला आ गया है। दीदी आएगी आधे घंटे बाद। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो अगर थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे करवा चौथ की, और मैं मेहंदी लगवाने जा रही हूँ, सारी वीडियो आने वाली है, और भी अच्छी अच्छी वीडियो आएगी छठ पूजा की, दिवाली की, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसका मैं क्या करूँ।